वाह। और अजान में रोमाना जो कुछ चाहती थी वही होने जा रहा है। वो अभी बच्चा नहीं चाहती थी और उसको यही डर था कि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो मोटी हो जाएगी और उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। और वो ये भी सोचती है कि बच्चे के बाद फिर बच्चे की केयर करना, उसके लिए रात भर जागना और इसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो उसकी यही कोशिश थी कि वो इस बच्चे को ख़त्म कर दे। इस मकसद के लिए वो ऐसे ही डाइट लेती थी, ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर देती थी ताकि किसी न किसी तरीके से इस बच्चे से जान छुड़ा सके। और अपनी सहेली से भी इस सिलसिले में मशवरे करती रहती थी। अजान तो इस बात से बिल्कुल बेखबर था, लेकिन वो उसकी बात सुन लेता है जब फ़ोन पर वो अपनी सहेली से बात कर रही होती है और उसे शक पड़ जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। यहाँ पर जो रोमाना है वो मुकर जाती है और वो यही कहती है कि मैं बच्चा चाहती हूँ। और अजान जो है उसे अभी पता नहीं होता, लेकिन फिर वो मासूमा की बात सुन लेता है जब मासूमा अपनी किसी सहेली को बता रही होती है कि ये अमीर लोग अब इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते और हम जैसे गरीबों जैसे नहीं होते जो कि 9 महीना 1 दिन गुजरने के बाद भी अगर बच्चा ना हो तो सब यही कहने शुरू हो जाते हैं कि शायद औरत बांझ है। इनके तो तौर तरीके बिल्कुल अलग से हैं। और वो अपनी सहेली को रुमाना के बारे में भी बता रही होती है कि रुमाना बीबी ने पपीते खाना शुरू कर दिए हैं और हर्बल टी इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। ये बात अजान सुन लेता है और उसे शदीद गुस्सा आता है और वो मासूमा से सारी हकीकत जानता है। तो मासूमा उसे सब कुछ बता देती है कि रुमाना बीबी मुझे पपीते काटने को कहती हैं और साथ में हर्बल टी भी मुझसे बनवाती रहती हैं और यही इस्तेमाल करती रहती हैं और ऐसी दवाइयां भी इस्तेमाल कर रही हैं जिसकी वजह से बच्चा ज़ाया हो जाए। अजान को जब यह हकीकत मालूम होती है तो वो गुस्से से जाता है रुमाना के पास और उससे जाकर इस सिलसिले में बात करता है और रुमाना से कहता है कि मैंने तो यह सोचा था कि दुआ के बाद तो तुम्हारे साथ मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकता हूँ। सबसे बढ़कर यह कि तुम मेरे साथ सच्ची थी, लेकिन तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? तुम मेरे बच्चे को कैसे मार सकती हो? यहाँ पर रोमाना को जब ये पता चलता है कि अजान उसकी हकीकत से वाकिफ़ हो चुका है तो वो दौड़ते हुए उसके पीछे आती है, क्योंकि अजान गुस्से से कमरे से निकल जाता है और फिर सीढ़ियों से उतरते हुए रोमाना का पाँव फिसल जाएगा और वो गिर जाएगी और फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा जहाँ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाएगा और रोमाना जो कुछ चाहती थी वैसा ही हो जाएगा। और रुमाना पहले भी ये कोशिश कर चुकी थी कि किसी तरीके से छलांग लगाकर बच्चे को ज़ाया कर दिया जाए, लेकिन उस कोशिश में वो नाकाम हो जाती है। अब उस पर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा और सारा इल्ज़ाम जो है वो अजान पर आ जाएगा और वो यही कहेगी कि मैं तो तुम्हारे पीछे भाग रही थी, इसी वजह से मेरा पाँव फिसल गया और ये बच्चा ज़ाया हो गया। दूसरी तरफ दुआ जो कि अपनी बच्ची को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं। चची उसके पीछे पड़ चुकी है क्योंकि जहारा ने उसे अच्छी खासी रकम दे दी है, 25 लाख की रकम देकर उसे ये कह दिया है कि तुम जल्द अज जल्द दुआ को इस घर से चलता करो और एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी शादी कराओ ताकि मेरी इससे जान छूट जाए और मैं नहीं चाहती कि यह अजान की ज़िंदगी में दोबारा आए और अजान को किसी भी किस्म का इस बात का पता चल सके कि यह बच्ची उसकी है। तो यहाँ पर चची जहारा से यही कहती है कि तो आप मानती तो है ना कि ये बच्ची आप ही की पोती है। तो इस बात पर जहारा कहती है कि ये अजान की गलती थी और मैं इस गलती को कभी भी कबूल नहीं करूंगी। जहारा तो यहाँ से चची चली जाती है, लेकिन चची अपने मिशन में जो है वो शुरू हो जाती है और चचा को मुकम्मल तौर पर कहना शुरू कर देती है कि आप जल्द अज जल्द दुआ की शादी करवा दें, क्योंकि दुआ खूबसूरत भी है, जवान भी है और उसे किसी अच्छे जीवन साथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अब हम उसका रिश्ता देखभाल कर करेंगे, पहले की तरह गलती नहीं करेंगे जब हमने अजान के साथ उसका निकाह करवा दिया था और उसे इतनी ज़्यादा मुश्किलात झेलनी पड़ी थी। यहाँ पर चचा पहले तो चची को खामोश कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन चची के बहुत ज़्यादा कहने पर और उसके बेहद इसरार पर आखिरकार चचा कह देते हैं कि ठीक है, मैं मौलवी साहब से जाकर बात करता हूँ कि कोई अच्छा सा शरीफ सा लड़का दुआ के लिए देखें। और दुआ को जब इस बात का पता चलता है अपनी दोस्त समन के ज़रिए तो वो बहुत ज़्यादा खफा होती है और कहती है कि मेरा एक बार निकाह हो चुका है, एक दफ़ा मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं दोबारा कभी भी शादी नहीं करूँगी और अपनी सारी ज़िंदगी अपनी इस बेटी परीजे के लिए गुजारूंगी और इसकी अच्छी मैं परवरिश करूंगी और इसे कभी भी मैं बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तो यहाँ पर समन जो है वो उसे यही मशवरा देती है कि इसके लिए तुम्हें अपने आप को मज़बूत करना होगा। तो दुआ कहती है कि मैं अपने आप को इतना मज़बूत कर लूँगी कि कोई भी मुझ पर सवाल नहीं उठा सकेगा। फिर जब चचा दुआ के लिए मौलवी साहब का लाया हुआ रिश्ता लाते हैं तो दुआ साफ रिश्ते से इनकार कर देती है और चची को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है।
लेकिन उसका असल मकसद तो यही है कि वो दुआ की शादी मुराद के साथ करा दे। और अब मैदान भी बन चुका है ऐसा, तो वो यहाँ पर चचा से बात करती है और कहती है कि अगर आप कहें तो दुआ की रिश्ते की बात मुराद के साथ शुरू की जा सकती है। चचा को पहले तो इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें मुराद एक हाँख नहीं भाता और मुराद का इस घर में आना भी उन्हें पसंद नहीं था जब वो दुआ के पीछे यहाँ पर आ गया था और चचा ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया था। लेकिन यहाँ पर चची जो है शफीक चचा के दिमाग में ये बात डाल देती है कि बच्ची जो है वो अपने बाप के घर ही अच्छी लगती है। उसका कहने का यही मतलब होता है कि दुआ की ये बच्ची दरअसल मुराद ही की बच्ची है। इस बात पर चचा को पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन जब चची उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये सब कुछ मैं नहीं कह रही बल्कि सारा ज़माना कह रहा है और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई शामिल है, तो चचा भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर वो जाएंगे दुआ के पास और उनसे दुआ से पूछेंगे कि आखिर तुम्हारा मुराद से क्या ताल्लुक है। वो हकीकत जानना चाहते हैं और दुआ के मुंह से सुनना चाहते हैं लेकिन उन्हें दुआ पर पूरा एतबार है, उस पर पूरा यकीन करते हैं। अब जब दुआ ये बात सुनेंगी अपने चचा के मुँह से तो वो अपने चचा को यही जवाब देगी कि जो सवाल दूसरों के कहने पर किए जाते हैं ना वो ज़मीर पर बोझ बन जाते हैं, क्योंकि दुआ अच्छी तरह से समझ चुकी है कि चचा ये किसके कहने पर उससे ये बात पूछ रहे हैं। वो अपने चचा पर बहुत ज़्यादा एतमाद करती है और उसे यकीन है कि चचा उसे किसी भी नई मुश्किल में नहीं डालेंगे। लेकिन चूँकि उसकी चची जो है वो जहाँ आरा के कहने पर अब इस मिशन पर लग चुकी है तो वो अपने मकसद को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। वो दुआ को भी अक्सर बातें सुनाती रहती है और दुआ से यही कहती रहती है कि अब तुम्हारी मंजिल अजान नहीं है बल्कि अब तुम्हारी मंजिल मुराद है। मुराद जिसने ये मुकम्मल तौर पर ठान ली है ये बात कि वो अब दुआ से शादी करके ही रहेगा और उसकी जो हैं वो भी आती हैं और मुराद को इस बात पर मुबारकबाद देती हैं और कहती हैं कि मुबारक हो अब तुम्हारी दुआ से शादी हो जाएगी, क्या दुआ मान गई है। तो यहाँ पर साइमा जो है वो काफ़ी बातें सुनाती है खाला को भी और मुराद को भी और यही कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, दुआ मुराद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन खाला यहाँ पर साइमा ही को कह देती है कि दुआ को मान जाना चाहिए, उसे इतना मोहब्बत करने वाला शोहर मिल रहा है और वैसे भी उसकी अजान से अब तलाक हो चुकी है। और जब साइमा गुस्से से उठकर चली जाती है तो खाला जो है वो मुराद से डिमांड करती हैं कि मेरे इतने ज़्यादा बिल आ गए हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो मुराद यहाँ पर यही कहता है कि खाला आपकी डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो खाला जब मुराद को ये बताती है कि अगर मैं झूठी गवाही ना देती अजान के सामने और जहाँ आरा के कहने पर तो आज अजान दुआ को कभी भी तलाक ना देता, ये बात साइमा सुन लेती है और उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि दुआ के खिलाफ किस तरीके से प्लानिंग की गई है और उसे किस तरीके से फंसाया गया है। अजान जिसे अभी तक दुआ की बेगुनाही का पता नहीं चला और उसे अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि दुआ की जो बच्ची है वो दरअसल उसकी अपना ही खून है, लेकिन वो जो है वो रुमाना के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है और रुमाना भी यही कहती है कि अजान मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो अब उसी कंपनी का मालिक बन चुका है जिस कंपनी में वो मुलाजिम था और ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। और वजाहत जो है वो भी पहले रुमाना को समझाने की उसने भी कोशिश की थी कि तुम्हें इस बच्चे को ज़रूर कैरी करना होगा क्योंकि रुमाना का यही इरादा था कि वो ये बच्चा नहीं चाहती और उसे यही खौफ था कि वो बदसूरत हो जाएगी या फिर मोटी हो जाएगी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो यही कहती है कि मेरे फॉलोअर्स जब मुझे देखेंगे इस तरह बदसूरत और मोटा तो क्या सोचेंगे। तो यहाँ पर वजाहत और जहरा उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और जहरा की यही कोशिश है कि रुमाना का बच्चा हो जाए। तो यहाँ पर रुमाना को शक पड़ जाता है कि कहीं आप इस वजह से तो नहीं चाहती कि आपका ये पोता हो जाए या पोती हो जाए, कि कहीं दुआ सच्ची थी और आप दुआ के मुकाबले में मुझे लाकर खड़ा करना चाहती हैं। रुमाना को तो शक हो चुका है लेकिन जहां अरा जो है वो अपने आप अपना मकसद हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन उसका प्लान बिल्कुल उलट हो जाएगा क्योंकि रुमाना का बच्चा जो है वो गिरने की वजह से ज़ाया हो जाएगा। और वजाहत ने रुमाना से यही कहा था कि तुम्हें ये बच्चा हर सूरत में कैरी करना होगा क्योंकि इसके ज़रिए हम अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है वो वापस कर सकते हैं। तो अब देखना यह है कि अजान की ज़िंदगी में किस तरह से तब्दीली आती है क्योंकि रुमाना तो अब कभी माँ नहीं बन सकेगी और अजान की सिर्फ एक ही औलाद होगी जो कि परीजे होगी, दुआ की बच्ची।
और जहाँ आरा इस हकीकत से अच्छे तरीके से वाकिफ़ है, मुराद भी अच्छे तरीके से जानता है, तो वो अब दुआ की ज़िंदगी में किस तरह की मुश्किलात खड़ी करेंगे, क्या मुराद जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और दुआ को अपना लेगा और दुआ जो है वो मान जाएगी, क्योंकि उस पर हर तरह से हर तरफ से प्रेशर बढ़ रहे हैं। चची अपनी पूरी कोशिश कर रही है और चचा को भी उसने अपनी बातों में ले लिया है, तो क्या चचा भी चची की बातों में आ जाएंगे या फिर ऐन मौके पर मुराद का जो ज़मीर है वो उसे मलामत करेगा और वो सारी हकीकत जाकर अजान को बता देगा और सारी सच्चाई अजान को बता देगा कि दुआ बिल्कुल बेकसूर है, बेगुनाह है और दुआ के ख़िलाफ़ ये प्लान किसने बनाया था, ये साजिश दरअसल किसकी थी, अजान की अपनी माँ जहाँ आरा की। तो फिर जहाँ अजान का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि पेपर्स पर तो वो उसका यही कहना है कि वो असाइन कर चुका है, तलाक पेपर्स पर हो चुकी है, लेकिन अभी तक दुआ ने उन पेपर्स पर साइन नहीं किया होता और पेपर्स हवा में उड़ गए होते हैं। तो किस तरीके से कहानी में नया मोड़ आता है और दुआ की ज़िंदगी में क्या नया नई तब्दीली आती है, ये तमाम बातें जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल दुआ और अजान।